यहाँ से मुमकिन तौर पर यही कहा जा रहा है कि पहले पोस्टमार्टम कराया जाएगा ताकि हकाइक सामने आ सके। DIG इस मुकद्दस हैदर से भी हमारी बात हुई, उनका ये कहना है कि उनके जिस्म पे किसी किस्म की कोई तशद्दुद या ऐसे जले हुए कोई ऐसी कोई निशानात मौजूद नहीं थे। इब्तदाई तौर पर यह तबई मौत ही मालूम होती है, लेकिन असल हकाइक के लिए ही पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। उनके घर पे भी जो है कहा जा रहा था कि धुआं बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, तो जिस पर इनके पड़ोसी का कहना था कि जनरेटर का वो धुआं था जो कि बहुत ज़्यादा भर गया था, घर बंद था, लेकिन वहाँ पर भी पुलिस इसीलिए पहुँची है शवाहिद जमा करने के लिए ताकि असल हकाइक जो है सामने आ सके। जी ठीक है साहू, तो आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। डॉक्टर आमिर लाकुत हुसैन के मुलाजिम का क्या बताना है इस तमाम दर वाक्य पर, अपने नाज़रीन को वो भी सुनवाते हैं। साहब यहाँ पर रह रहे थे, जनरेटर की गैस ऐसी थी बिल्कुल जो सुबह से ऐसा मूव हो रहा था कि डॉक्टर साहब को कोई वेंटिलेशन यहाँ पर नहीं है। ठीक है जिसकी वजह से मैं ऊपर था, तो हमारी आजकल कोर्ट की वेकेशन है, तो ऐसा हुआ कि वहां पर वो लोग आए, वहां पर लोग शोर करने लगे कि डॉक्टर साहब की तबीयत सही नहीं है, उनको फिर यहाँ से लेके गए, मुझे लगता है वो उसी टाइम वो एक्सपायर हो गए। मैं रहता हूँ साउदी मुर्तजा, मुलाजिम की जानिब से बताया गया है कि यहाँ पर धुआं भरा हुआ था जब वो यहाँ पर पहुंचे और आमिर लियाकत को बेहोश पाया। कितने मुलाजिम उनके घर पर मौजूद थे, क्या किसी को मालूम नहीं हो सका कि धुआं भर रहा है या इस तरह की एक सूरत हाल पैदा हो रही है? जी हाँ बिल्कुल, देखें ये उनके पड़ोसी हैं जिनकी जानिब से ये बताया गया कि जनरेटर का धुआं जो है भर गया था, क्योंकि वो एक रिहायशी बिल्डिंग में रहते थे और ऊपर इसका पड़ोसी का कहना है कि वो यहाँ पर इसी बिल्डिंग में रिहायश पजीर था, ये फ्लैट कह सकते हैं हम इसको, जबकि जो इनके साथ एक ड्राइवर और एक और मुलाजिम कहा जा रहा है पुलिस की जानिब से कि इनके साथ होता था, और आमिर लियाकत क्योंकि अपना कमरा बंद करके सो रहे थे और उसी दौरान ये वाकया पेश आया है। जब मुलाजिम को जो है ये इस बात की मालूम हुआ कि उनकी तबीयत जो है बिगड़ गई है, तो फौरी तौर पर उसने रेस्क्यू से रابطہ किया और उसके बाद उनको जो है तशवीशनाक हालत में मुंतकिल किया गया। जनरेटर का धुआं किस तरह से भर गया, इस बात में कितनी सदाकत है और ये इसी वजह से इनकी हालत बिगड़ी, उसको भी जो है चेक करने के लिए पुलिस पहुंची है। SP इन्वेस्टिगेशन है अल्ताफ हुसैन, वो भी जो है जाए वक्फा पर पहुँचे हैं ताकि जो शवाहिद है उनको चेक किया जाए और तहकीकात को आगे बढ़ाया जा सके। जी